इंदू दी, आप इतने कड़े धूप में क्यों बैठी हो? क्या बात है, इतनी उदास होकर इतने कड़े धूप में अकेले बैठी है? देखिए दीदी, पीलापन हो गया तो दिखे रहे हैं, क्या करें। ठीक है दीदी, खेत में खाद कभी डलालू हाल? खाद बात से कुछ नहीं होता है दीदी, क्या करें हम लोग, डीएपी पोटास सब डाले हैं, कुछ नहीं होता। इस बार आप खाद कहाँ से खरीदे थे? दीदी गोपी भैया से तो खाद लाए थे। आप जांचे थे कि खाद असली है कि नकली? खाद असली भी नकली भी होता है दीदी। आजकल बाजार में नकली खाद भी आने लगा है, आपको सही खाद पहचान आना होगा। न जाने कि असली नकली खाद डाल दिए, इसी तरह ऐसा खेत दिख रहा है। असली खाद नकली क्या होता है, उसे पहचानूं कैसे? कल मीटिंग है गांव में, कल आप आइए, आसमानी भैया आ रहे हैं मीटिंग में, सारी चीज का जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दीदी, कल का मीटिंग में हम आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है दीदी, कल मीटिंग में मिलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, हम चलते हैं। ठीक है, राम राम दीदी। ठीक है, ठीक, कल मिलेंगे। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, बैठिए। सभी दीदी लोगों को नमस्कार। ठीक है दीदी, आज का ये जो बैठक है, इसमें हम लोग उर्वरक की पहचान कैसे करते हैं, जो आसान तरीका हो और घरेलू तरीका हो, मतलब कि हम अपने घर पे ही उर्वरक और खाद का असली पहचान कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ तो दीदी लोग, आज के इस बैठक में हम जिस जिस उर्वरक का पहचान करेंगे वो कौन कौन सा है, मैं आपको एक उसका झलक दिखा देता हूँ। देखिए दीदी, ये यूरिया है, ठीक है। देखिए दीदी, इसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट, मतलब कि डीएपी। इसको बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी। देखिए दीदी, इसको बोलते हैं पोटास, ठीक है ना, ये पोटास है। ये है जिंक सल्फेट, ठीक है ना, इसे जिंक सल्फेट कहते हैं। जब हम उर्वरक की पहचान करेंगे तो उसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो मैं अब आपको एक एक करके दिखाता हूँ। पानी लेते हैं, एक कटोरा पानी लेंगे। ये चूना है, ठीक है, ये वही चूना है जिसको लोग खैनी में मिला खाते हैं। अब हम लेंगे तावा को, ठीक है ना, इस पे हम उर्वरक को गर्म करने का प्रक्रिया जो है तावा के अनुसार करते हैं। अब देखिए, ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, और ये गैस का चूल्हा हो गया, इसके द्वारा हम आग जला करके उर्वरक की जांच करेंगे। ये माचिस की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये माचिस लेंगे। तो सबसे पहले हम यूरिया के बारे में जानेंगे कि हम यूरिया का पहचान कैसे करते हैं। ये तो दिख रहा है जैसा लगता है नमक है भैया। हाँ दीदी, ये तो दिखता नमक जैसा है, ठीक है ना, इसका पहचान हम, ये जो यूरिया है सफेद कलर का होता है जी सर, ठीक है, और इसके जो दाने हैं चमकदार हैं जी, और समान आकार के होते हैं, और सबसे बड़ा चीज होता है इसमें कि इसके दाने को अगर हम नाखून के सहारे तोड़े तो ये नहीं टूट सकता, कठोर होते हैं, ठीक है। हाँ दीदी, पहला तरीका हमने देखा कि यूरिया का पहचान रंग और दाने के अनुसार करते हैं। अब दूसरा तरीका होता है, यूरिया के दाने को हम पानी के घोल बना करके उसकी पहचान करेंगे। हाँ तो ये पानी ले लिए हम, ठीक है, अब इसमें यूरिया की कुछ मात्रा मिलाएंगे और इसका घोल बनाते हैं। देखिए पूरी तरह घुल गया ना, जब ये पूरी तरह घुल जाता है तो उसके बाद जब हम इसके जल का स्पर्श करेंगे तो हमें पूरा ठंडा महसूस होगा, मतलब पूरा शीतल लगेगा। हाँ तो दीदी, अब ये घोल बन गया है, अब इस घोल में हम अपने उंगली को डालते हैं तो ये ठंडा लगेगा, इसका मतलब कि हमारा यूरिया जो है असली है, ठीक है, आप इसे स्पर्श करके भी देख सकती हैं। हाँ दीदी, ठंडा तो है, देखिए एकदम ठंडा लग रहा है। हाँ दीदी, है ये ठंडा।
एकदम शीतल लगता है। यूरिया उर्वरक का पहचान करने का दो तरीका सीख लिया, अब तीसरे तरीके के बारे में बात करेंगे जो हम तावे पे गर्म करके पहचान करते हैं। जी, तो ये हमने गैस ऑन कर दिया जी। अब इस पे हम तवा को गर्म करेंगे, ठीक है दीदी। अब ये स्पर्श करने से पता चल रहा है कि तावा हमारा गर्म हो गया है जी। अब इस पे हम यूरिया के कुछ दाने डालेंगे और देखेंगे कि इस गर्म तवे पे यूरिया के दाना डालते ही दाना पिघलने लगता है जी, ठीक है। और जब ये पिघल कर पूरी तरह से भाप बन के उड़ जाएगा तो इसका मतलब कि ये यूरिया हमारा असली है। देखिए भाप बन के उड़ रहा है ना जी, और इसके सुगंध से ही पता चलेगा कि यूरिया हमारा असली हाँ, है। धमक भी आ रहा है, सभी लोग देख रहे हैं तो जी। ठीक है, पूरी तरह से यूरिया हमारा खत्म हो गया जी। तो ये हम सुनिश्चित हो जाएंगे कि यूरिया हमारा असली है जी। हाँ दीदी, पहला तो हमने यूरिया का जान पहचान कर लिया कि हम कैसे उसकी जांच करते हैं। अब हम दूसरे उर्वरक का पहचान करेंगे जिसका नाम है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसका सबसे सरल पहचान का तरीका है उसके रंग और दाने के आकार के अनुसार। देखिए डीएपी को हम पहले उसके रंग से पहचानते हैं, इसका रंग भूरे रंग का, काला एवं बादामी जैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो दाने होते हैं कठोर होते हैं, ठीक है ना, इसको तोड़ते हैं तो ये जल्दी आसानी से नहीं टूटता है। तो ये सामान्य तरीका है हमारा डीएपी पहचान करने का। हाँ तो दीदी, अब दूसरा तरीका हम डीएपी का पहचान करने का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस तरीका के अंतर्गत क्या करते हैं कि हम डीएपी के कुछ दाने को चूने के साथ मिक्स करते हैं। ये हमारा चूना है, ठीक है, और ये डीएपी के दाने हो गए। इस डीएपी के दाने को चूने के साथ मिलाते हैं। हाँ दीदी, जैसा कि हमने बताया कि चूना और डीएपी को जब हम मिलाते हैं एक साथ, ठीक है, और मिला देने के बाद जब उसको हम सूंघते हैं तो वो सूंघ असहनीय होता है, मतलब कि बर्दाश्त नहीं होता है। इसका मतलब कि हमारा डीएपी असली है। हाँ तो दीदी, हमने डीएपी उर्वरक का पहचान करने का दो तरीका सीख लिया, ठीक है। अब तीसरा तरीका हम देखते हैं जिसके अंतर्गत हम गैस की धीमी आँच पर, ठीक है ना, तावे को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और इस गर्म तावे पे डीएपी के कुछ दाने डालेंगे। अगर ये दाने गर्म होकर के जब फूलने लगेंगे तो इसका मतलब कि ये हमारा डीएपी जो है असली है। इसको बोलते हैं सिंगल सुपर फास्फेट SSP, जिसके दाने का रंग भूरा, काला एवं बादामी रंग का होता है जी। देख रहे हैं ना दाने, और इसके दाने सख्त होते हैं, ठीक है, तो इसे हम सिंगल सुपर फास्फेट असली उर्वरक समझेंगे। और दूसरे तरीके के अंतर्गत ये हमने धीमी आंच पे तावे को गर्म कर दिया, तावा गर्म हो चुका है। अब इस पे जब हम दो चार दाना SSP का डालेंगे, मतलब कि सिंगल सुपर फास्फेट का, तो ये दाने ना फूलेंगे ना पिघलेंगे, ठीक है ना। देखा आप लोगों ने कि इतना देर गर्म करने के बावजूद भी इस दाने पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना ये फूल रहा है और ना ही पिघल रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा असली सिंगल सुपर फास्फेट है, ठीक है दीदी। अभी तक हम लोगों ने तीन उर्वरक के बारे में सीख लिया, यूरिया, डीएपी और SSP, ठीक है ना। अब हम चौथे उर्वरक की ओर पहुंचते हैं जिसका नाम है पोटास। ये देखिए, ये पोटास है, ठीक है। इसका सबसे आसान और सरल तरीका पहचान का क्या होता है कि ये नमक और लाल मिर्च के मिश्रण जैसा दिखता है,
दिख रहा है ना, इसे लगता हो कि नमक और लाल मिर्च का मिश्रण बनाया गया है। तो ये हमारा पोटास का आसान पहचान करने का तरीका है। ठीक है दीदी, हमने पोटास का एक तरीका जान लिया कि इसके रंग और कलर से पहचान लेंगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका पोटास का क्या है कि हम पोटास का कुछ मात्रा हाथ पे ले लिए, ठीक है, और ये है पानी। इस पानी का 2-4 बूंद हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि अगर इसको मिला भी देंगे हम, तो इसमें जो ये बारीक बारीक कण दिख रहा है ना, ये नहीं घुलता है और आपस में नहीं चिपकता है, ये अलग रहेगा एकदम। जो बारीक बारीक ये कण आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एकदम अंदर नहीं जाता है, ये बाहर रहता है, ना घुलता है और ना चिपकता है जी। तो इसका मतलब कि हमारा ये पोटास असली है। हमने पोटास का 2 तरीका सीखा पहचान करने का, ठीक है। अब तीसरा तरीका हम सीखेंगे जी। तीसरा तरीका क्या होगा कि ये हमारा पोटास हो गया और ये पानी हो गया, ठीक है। इस पानी में पोटास का कुछ मात्रा हम मिलाएंगे तो इसका जो लाल वाला भाग है वो ऊपर आ जाता है। देखिए ऊपर आ गया ना जी। लाल वाला भाग ऊपर आ गया, ऊपर तैरने लगा ना जो लाल वाला भाग है, जैसे लग रहा है कि इसका कलर ऊपर छन गया हो, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारा पोटास असली है। अब हम आते हैं 5वें उर्वरक की ओर, जिसका नाम है जिंक सल्फेट, ठीक है ना। इस पे लिखा रहता है जिंक सल्फेट। यह मार्केट में 2 तरीके का होता है, एक दानेदार और दूसरा पाउडर वाला। तो ये हमारे पास अभी जो उपलब्ध है ये पाउडर वाला है, ठीक है। इस पाउडर का पहचान क्या है कि ये एकदम दूधिया कलर का होता है, ठीक है ना, दूधिया कलर का है। जैसे मार्केट में दूध वाला पाउडर मिलता है ना, उसी तरीके का है ये, एकदम दूधिया कलर का है। तो ये हमारा असली जिंक का पहचान है, पाउडर वाला, ठीक है। ठीक है, तो अब हम जिंक सल्फेट का पहचानने का दूसरा लक्षण देखेंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये जो पानी ले लिए कटोरे में जी, ठीक, उसके बाद इसमें जिंक सल्फेट का पाउडर डालेंगे जी। पाउडर डालेंगे फिर मिलाएंगे जी। जब हम इसका घोल बनाते हैं तो घोल बनाते वक्त हमें इसका घोल जो है पानी वो गरम महसूस होना चाहिए जी। अगर गरम महसूस नहीं होता है तो ये हमारा असली जिंक सल्फेट का पाउडर नहीं है जी। अब इसे आप लोग स्पर्श करके देख सकते हैं, देख करके महसूस करिए, एक गरम लग रहा है या ठंडा लग रहा है। हाँ दीदी, इसमें तो एकदम गरम लग रहा है। ठीक है, अब अंतिम तरीका हम देखेंगे जिंक सल्फेट का पहचान करने के लिए। ये तो आप लोगों ने घोल बना ही दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे साइड में डीएपी का घोल बनाते हैं। ये डीएपी है, ये पानी है, इसमें इसका हम घोल तैयार करते हैं जी। ठीक है, ये घोल भी हमारा बन ही गया है। अब इस क्या करेंगे कि इस दोनों घोल को अगर एक साथ हम मिलाते हैं जी, तो ये दोनों घोल मिल करके जैसे दही का थक्का जमता है ना, वैसे जम जाएगा। हाँ जम ही गए हैं, देखिए ना दीदी, एकदम दही के तरह हो गया ना। अगर थोड़ा देर हम इसको छोड़ देंगे तो ये थक्का थक्का दही की तरह जम जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हमारा जो जिंक सल्फेट है वो असली है, असली, ठीक है ना। यही हमारे जिंक सल्फेट की असली उर्वरक की पहचान है। हाँ दीदी, जैसे ये हमने बताया था आपको जिंक सल्फेट के बारे में, ये जिंक सल्फेट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारे फसल में, जैसे धान का फसल है, धान का फसल की पत्ती जब पीला पीला दिखने लगती है ना, तो उस समय हम इस जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हमारा खाद जांच के लिए बहुत अच्छा से सिखा दिलु। इस अवर से हम लोग खाद लेंगे तो अच्छा से जांच के खेत में इस्तेमाल करेंगे। किसान भाइयों, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए
हमेशा सही रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें जो कि उचित मात्रा में और सही समय पर प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कृषि विभाग एवं कृषि संस्थान द्वारा प्रमाणित हो तथा जिसके हम अपने घरेलू पहचान तरीके द्वारा जांच करके ही उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे उपज में अच्छी वृद्धि हो। यूरिया से हमेशा हमें नाइट्रोजन मिलता है, डीएपी से फास्फोरस मिलता है और एमओपी से पोटास मिलता है। इसका ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। की बात है दीदी, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं दीदी। कुछ तो मैं हूँ, मेरा खेत हरा भरा दिख रहा है। बड़ी अच्छा, आपको खेत तो हरा भरा लग रहा है दीदी। इसमें लगता है कि सही खाद डाले हैं। हाँ दीदी, खेत में तो असली खाद डाले हैं दीदी, तो हरा भरा दिखेगा नहीं। दुकान गए और खाद खरीद कर लाए, घर में जाचे और असली खाद डाले और पौधों में दिए, तो इतनी मेहनत से ये हरा भरा पौधों दिख रहे हैं।